व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। और चिकन कोरमा बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने चिकन कोरमा बनाया, इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही थिक और बहुत ही जो इसका टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। हमें फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना है कि जो हम अनियन कट कर रहे हैं उनको वाटर में ना सोक करें, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो अनियन है वो स्टिकी हो जाती हैं और अच्छे से उनमें जो क्रिस्पी है वो नहीं हो पाती हैं। तो फ्रेंड्स वाटर में बिल्कुल भी सोक ना करें। और ये देखिए हमारी जो अनियन है फ्रेंड्स, वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो जो अनियन है उनको जल्दी से निकाल लेते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी इनको रहने देंगे तो जो कलर है उसका डार्क हो जाता है, जो कलर टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ हम यहाँ पर अपने जो साबुत मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर करी पत्ता, इलायची, ज़ीरा, लौंग और मैंने काली मिर्च यहाँ पर ऐड करी है। और इनको अच्छे से यहाँ पर सौते कर लेंगे और इनको यहाँ पर अच्छे से फ्लेम हाई कर लेंगे और अच्छे से इनको तड़कने देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर चिकन लिया है फ्रेंड्स, वो पूरा 1 kg है और जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अपना जो चिकन होता है उसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से साफ़ कर लें। और इसको हम यहाँ पर 5 to 10 मिनट के लिए भुनेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर अपना जो चिकन है उसको अच्छे से भून लेंगे और जिससे क्या होगा, हमारा चिकन कोरमा बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर हम जो चिकन है उसको 5 to 10 मिनट एटलीस्ट उसको ऐसे ही कुक करेंगे हाई फ्लेम पर, जिससे जो चिकन का वाटर होगा वो पूरा अब्जर्व हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। और इसको यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर अच्छे से कुक करेंगे। जो मैंने फ्रेंड्स अनियन को गोल्डन ब्राउन किया था, बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट हम यहाँ पर देखते हैं जो चिकन है हमारा वो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ पर देखिए वो जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है। और इसी टाइम हम जो सारा चिकन है उसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ा और यहाँ पर मसाले ऐड करके इसको भून सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल सॉल्ट का यूज़ किया है। इसी के साथ मैंने साबुत धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट रेडी किया है 1 बाउल। और मैंने यहाँ पर साबुत धनिया का यूज़ किया है, जिससे जो हमारा चिकन कोरमा है बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। जो साबुत धनिया है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के अनियन हैं उनका पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से 5 to 10 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है, ऐड करेंगे रेड चिल्ली 2 टेबल स्पून और सॉल्ट 1 टेबल स्पून और टर्मेरिक हल्दी 1 पिंच। और सभी मसाले को अच्छे से 5 to 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे जो हमारे कच्चे मसाले की ना आए और अच्छे से कुक करेंगे। और 5 to 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मसाला है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर फ्रेश दही, यहाँ पर मैंने 1 कप ली है, उसको ऐड करेंगे और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट रेडी किया है, जिसमें मैंने काजू, आलमंड्स और मगज बीज 1 टेबल स्पून क्वांटिटी में लेकर इनको अच्छे से मैंने
पेस्ट बना लिया है। और जो मसाला है, इससे जो हमारे मसाले की ग्रेवी है बहुत ही अच्छी होगी। और इसी समय हम यहाँ पर अपना जो हम जो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से ऑयल में फ्राई किया था उसको ऐड कर देंगे। और 5 to 10 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पर अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और बहुत ही अच्छा चिकन कोरमा बनकर रेडी हो जाएगा। और इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम हाई फ्लेम पर जो चिकन है उसको अच्छे से कुक करेंगे और जो ढक्कन है उसको लगा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी अनियन है वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी है। उसको हाथों से ही हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। और अच्छे से आप हाथों से ही क्रश कर सकते हैं या आप उसको एक मिक्सर में डालकर पेस्ट बना सकते हैं। तो 5 to 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, क्योंकि 40 to 50% जब हमने उसको ऑयल में फ्राई किया था तो कुक हो चुका था। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ब्राउन अनियन। और ब्राउन अनियंस से एक तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, उसी के साथ जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी है। और यहाँ पर इसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट हम यहाँ पर और कुक करेंगे। और जब तक कि जो हमारा मसाला है, मसाले की ग्रेवी है, वो बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो 10 to 15 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर जब देखते हैं तो हमारा जो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो चिकन है बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है। और जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से कुक है और मसाला बिल्कुल अच्छे से अलग अलग हो चुका है, ऑयल भी अच्छे से इंक्रीज है। तो हमारा जो चिकन है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़ को ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है बिल्कुल रेडी है। और अगर मेरे चिकन कौरमे की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको चिकन की रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी है। तो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।